मेरा गांव पांड्रासाली में बिजली 2009 में मिला और 2010 से हम लोग बिजली बिल का भुगतान करते आया है और 2011 से ही कुछ बिजली उपकरण खराब हो गया, जिसके हम लोग लिखित आवेदन चकरदरपुर विद्युत और प्रमंडल को लिखित सूचना दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग का बिजली चाईबासा से है और इस रूट में कोई भी लाइन में नहीं है, जिसके कारण कोई खराबी आने पर कोई का उसमें रिपेयर का काम नहीं होता है और ये बाकी जितना भी खराब होने पर हम लोग इसका खुद रिपेयर करवाते हैं और बिजली ना होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हम लोग के पास आ रही हैं। किसी भी तरह का हम मोबाइल भी नहीं चार्ज कर पाते हैं और बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कतें हो रही है और महिलाओं को भी काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साल भर से बिजली का बहुत दिक्कत हो रहा है, बंद है। इसके लिए हम लोग गांव में भी मीटिंग किए थे, गांव में मीटिंग करके हम लोग बिजली विभाग भी गए थे, अपना गाड़ी लेकर के हम लोग गांव में पूरा टीम गांव के लोग हम लोग गए थे। बिजली विभाग चकलधरपुर में भी हम लोग लेटर लिख करके अप्लाई किए थे तो बोले कि ठीक कर देंगे, हम बोल करके ट्रांसफ़र भी हम लोग का ख़राब है। इसके लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है बिजली नहीं होने के कारण। बच्चों को भी पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़ा पा रहे। बिजली विभाग को चिट्ठी लिखते लिखते देते देते हम लोग थक गए हैं, अभी चुपचाप हैं। समाचार में तो बोलता है कि 24x7 दिन मिलता है बिजली बोल करके, मिलेगा बिजली बोल करके, लेकिन हम लोग अभी अंधकार में ही हैं। तो आप सभी दर्शक भाइयों, बुद्धिजीवी समाज सेवियों से मैं विनम्र अपील करता हूं कि चकरदरपुर विद्युत और प्रमंडल के SDO को 9431135941 पर कॉल करके दबाव दें और जल्द से जल्द हम लोग का ट्रांसफर दूसरा मिल जाए और उस पर एक लाइनमैन का बहाल किया जाए। मैं कमल पूर्ति पश्चिम सिंहभूम झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।